हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रिकॉल आवर चैप्टर एग्रीकल्चर। हम आज हमारे टोटल चैप्टर को रिकॉल करेंगे। तो हमने देखा था कि आवर इंडिया इज अ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट, हमारा इंडिया एग्रीकल्चरली बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड 2/3 पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, दे आर डूइंग एग्रीकल्चर। 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर कर रही है एंड द एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। उसमें जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो इंडिया में की जा रही है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है इंडिया में। एंड विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, और बहुत से फूड बना इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसका हम यूटिलाइज करते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन्स, मीन्स फूड ग्रेन्स तो यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं, बट इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, मीन्स अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो रॉ मटेरियल भी हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। मोरओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड, मीन्स टी कॉफी जो है वो क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे इंडिया से, स्पाइसेस एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मीन्स रॉ मटेरियल भी हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। तो हियर आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड अनादर सेकेंड इज कमर्शियल फार्मिंग। देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, प्रिमेटिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। अब प्रिमेटिव फार्मिंग आपको नाम से ही पता चलता है कि प्रिमेटिव फार्मिंग हम किसे कहेंगे, जो पुराने तरीके से फार्मिंग की जाती, दैट इज कॉल्ड प्रिमेटिव फार्मिंग। एंड इंटेंसिव फार्मिंग ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, नोमैडिक हर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो जो प्रिमेटिव फार्मिंग है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया, मीन्स अभी भी हम देखते हैं प्रिमेटिव फार्मिंग कई इंडिया के छोटे से जगह पर अभी भी की जा रही है। प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, मीन्स लैंड के टुकड़े क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वहाँ पे प्रिमेटिव फार्मिंग की जाती है। जो वेपन्स या इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं फार्मिंग के लिए, दैट आर ऑल्सो ओल्ड टाइप्स, मीन्स पुराने तरीके के हो, ड्यू देन स्टिकिंग, जो स्टिक डिगिंग गड्ढा खोदने के लिए जो स्टिक का यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर जो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, मीन्स पुराने तरीके से जहाँ पे खेती की जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रिमेटिव फार्मिंग, उसे क्या कहा जाता है, प्रिमेटिव फार्मिंग। एंड द अनादर नेम ऑफ प्रिमेटिव फार्मिंग इज अ स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, उसे क्या कहा जाता है, स्लैश और बर्न फार्मिंग कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया जाता है, और उस क्लियर करने के बाद दे वर यूजिंग दैट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और उसे जो वहाँ पे कचरा रहता है उसे जला दिया जाता है। जलाने के बाद उसकी जो स्लैश रहती है दे वर यूजिंग एज अ फर्टिलाइजर, उस स्लैश का यूज फर्टिलाइजर के लिए करते हैं, और उसी को कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसी को क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। वेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज द फार्मर शिप एंड क्लियर अ फ्रेश, जब वहाँ की एक जगह की सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो दे मूव टू अनादर लैंड, वो अदर जगह जाते हैं, वहाँ पे भी सेम वो जो एरिया है एरिया को क्लियर करते हैं और फिर वहाँ पे फार्मिंग की जाती है, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग जो है इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके भी नाम दिया गया है, एंड नोमैडिक हर्डिंग होती है। तो पहले तो हम अभी प्रिमेटिव फार्मिंग के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रिमेटिव। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश, मीन्स इसमें क्या होता है, शिफ्ट होने के बाद वो जो लैंड होती है, वो लैंड क्या होती है कि फिर से फर्टिलाइज हो जाती है, फिर से वो लैंड में आकर फिर से खेती करते हैं, फिर फर्टिलिटी उसकी कम होने के बाद वो दूसरे लैंड में मूवमेंट करते हैं। देन द लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर, जो लैंड का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है क्योंकि फार्मर आर नॉट यूजिंग फर्टिलाइजर, तो इसलिए प्रोडक्शन भी कम होगा। एंड इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। ओके,
तो ये हो गया हमने देखा प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का फर्स्ट है प्रिमेटिव फार्मिंग। देन यहाँ पे आपको दिया है इट इज अ जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जूमिंग कहा जाता है इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लाइक आसाम मेघालय मिजोरम एंड नागालैंड एंड पमलाउ इन मणिपुर में। अलग अलग नाम से ये जो प्रिमेटिव फार्मिंग है जानी जाती है दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट में और छत्तीसगढ़ में एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो जूमिंग क्या है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। जो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर है वो किस नाम से जाना जाता है मिल्पा नाम से इन मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में एंड कोनिको इन वेजुलिया में एंड रोका इन ब्राज़ील में मोसेलो इन सेंट्रल अफ्रीका में एंड लंडब इन इंडोनेशिया में एंड रे इन वियतनाम में। मैं सभी जो हमने देखा कि इस टाइप की फार्मिंग को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इंडिया में जो है प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार। इंडिया में बेवार कहा जाता है धाइया कहा जाता है इन मध्य प्रदेश में पाडू और पंडा इन आंध्र प्रदेश में पामादाबी और कोमान और ब्रिंगा इन ओडिशा में कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स में एंड वेलरे और वोल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न में। अलग अलग टाइप के यहाँ पे सिर्फ नाम दिए गए हैं। देन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड प्रेशर ऑन अ लैंड। मैं जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होगा वहाँ पे डेफिनेटली लैंड में प्रेशर होगा क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ती पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा तरीके से। तो वहाँ पे क्या किया जाता है मॉडर्न तरीके से खेती की जाती है मीन्स मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ किया जाते हैं फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है इरीगेशन सिस्टम होता है और इसीलिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लेने की कोशिश की जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो लैंड है वो डिवाइड हो जाती है। जस्ट मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि अगर मेरे पास 4 एकड़ की लैंड है तो मैंने मेरे 2 बच्चों को दे दिया तो 2-2 एकड़ की हो जाएगी, उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया तो वो 1-1 एकड़ की हो जाएगी। मीन्स लैंड का टुकड़ा क्या होगा पैचेस डे बाय डे कम होते जाएगा और इस बढ़ती लैंड में मॉडर्न तरीके से इस कम होती हुई लैंड में मॉडर्न तरीके से खेती करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना। नोमैडिक हर्डिंग हमने देखा है कि जो नोमैड ट्राइबल पीपल है दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और उसके साथ वो अपना एनिमल रेयरिंग का काम करते हैं। तो ये हो गया हमने देखा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देन कम टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक कमर्शियल फार्मिंग। दोस फार्मिंग विच पीपल आर डूइंग फॉर अर्न अ प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट के लिए वो सेल्फ कंजप्शन के लिए तो करते लेकिन साथों साथ उन्हें उससे प्रॉफिट मिलता है वो मनी अर्न करते दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। उसे कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। तो ये यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। तो ये कमर्शियल फार्मिंग में क्या किया जाता है मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है HYV सीड्स का केमिकल्स का फर्टिलाइजर्स का पेस्टिसाइड्स का इरिगेशन सिस्टम का क्योंकि उनका ज्यादा एम होता है टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना उनका एम होता है जो कहाँ से होता है कमर्शियल फार्मिंग में वो करते हैं। तो इसमें मिक्स फार्मिंग भी होती है प्लांटेशन फार्मिंग भी होती है। मिक्स फार्मिंग मीन्स व्हेन वी आर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप दैट इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग। मीन्स वहीं पे हमने वीट लगा लिया शुगर लगा लिया राइस लगा लिया मेज लगा लिया तो ये हो गया मिक्स फार्मिंग। बट प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है कि एक ही टाइप का जो प्लांट है वो पूरे एरिया में हम लगाते हैं चाहे वो टी का हो कॉफ़ी का हो रबर का हो मीन्स एक ही प्लांट को हम पूरे बड़े से बड़े एरिया में जब लगाते हैं दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग। उसे कहा जाता है प्लांटेशन फार्मिंग और एक इसलिए किया जाता है मनी अर्न करने के लिए जिसे कमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरप्रेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्स ऑफ लैंड। प्लांटेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की जरूरत पड़ती है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स मीन्स यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगता है एंड ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। और ये सारे रॉ मटेरियल हैं जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी होते हैं तो ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में बेचा जाता है। पहले ही देखा हमने कि एग्रीकल्चर में सिर्फ
फूड ही नहीं बनाए जाते, फूड ही प्रोडक्शन नहीं किया जाता, तो उसके साथ क्या प्रोडक्शन किया जाता, रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। तो इंडिया में, इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन, बनाना एक्सेट्रा इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, ये इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। टी आसाम में होता है, नॉर्थ बंगाल में लगाया जाता है, कॉफी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट एज वेल एज डेवलप नेटवर्क ऑफ, मीन्स मार्केट के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, इसके वजह से जो नेटवर्क है कम्युनिकेशन का एंड ट्रांसपोर्ट का, दैट आर ऑल्सो इंक्रीज, वो भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ती, प्रोडक्शन के लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बिजनेसमैन से उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, और इस तरीके से जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उससे क्या होता है, टोटली डेवलपमेंट होता है पूरे कंट्री का। एज यू हैव नोज दैट इन आवर इंडिया हियर इज द डाइवर्सिटी, फिजिकल डाइवर्सिटी, फिजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है, एज वेल एज द प्लुरालिटी ऑफ कल्चर्स, कल्चर्स आर डिफरेंट्स। हम देखते हैं कि फिजिकल डाइवर्सिटीज में आप देखते हैं कि इंडिया में प्लेन एरियाज है, प्लेट्यूज एरियाज है, माउंटेन्स है, हिलीज एरियाज है, मीन्स नंबर ऑफ डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो इस डाइवर्सिटी में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अलग अलग सीजन होते हैं, कि क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है, दे आर ऑल्सो डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न होता है, मीन्स यहाँ पे फूड ग्रेन्स भी लगाए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स भी हमें मिलता है, यहाँ से वेजिटेबल्स मिलते हैं, फाइबर क्रॉप्स मिलता है। तो एक ही खेती पे एक ही टाइप की क्लाइमेट में ये होते हैं क्या, नहीं, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट रिक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री, कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, तो इंडिया इज थ्री क्रॉपिंग पैटर्न, इंडिया में तीन टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न आपको देखने को मिलता है, वन इज रबी, सेकेंड इज खरीफ एंड थर्ड इज जैद। तो व्हाट इज अ रबी, रबी क्रॉप क्या है, जो विंटर सीजन में लगाया जाता है, रबी क्रॉप जनरली विंटर सीजन में लगाया जाता है, शोविंग इन अक्टूबर टू दिसंबर, कब लगाया जाता है, अक्टूबर से लेके तो दिसंबर के महीने में जो क्रॉप लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड रबी क्रॉप। इसको हार्वेस्ट किया जाता है फेब्रवरी, अप्रैल, मई मंथ में इसकी कटाई होती है। देन क्रॉप्स, किस टाइप के क्रॉप्स इसमें लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे वीट लगाया जाता है, बार्ली लगाया जाता है, पीज लगाया जाता है, ग्राम लगाया जाता है, ऑयल सीड्स लगाया जाता है। आई एम यूजिंग शॉर्टकट, बट यू डोंट यूज शॉर्टकट, राइट इन अ डिटेल, आपको डिटेल में लिखना है। देन ये किस एरिया में हमें देखने को मिलता है, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में एंड उत्तराखंड में। तो इस टाइप के आपको फीचर्स पूछे जाते हैं, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के बारे में बताइए। तो आपको डिटेल में लिखना है कि रबी क्रॉप आर शोइंग इन द अक्टूबर एंड दिसंबर मंथ, इट इज हार्वेस्टिंग इन द फेब्रुवरी, अप्रैल, मई, एंड द मेन मेजर क्रॉप्स ऑफ द रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड ऑयल सीड्स, एंड द एरियाज, द मेजर एरिया ऑफ द रबी क्रॉप्स आर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। इस टाइप के क्रॉप हमें देखने को मिलते हैं किसमें, रबी क्रॉप में। रबी क्रॉप में आपको याद रखना है कि इट्स ग्रोन इन अ विंटर सीजन, विंटर सीजन में ये लगाए जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे खरीफ क्रॉप। अगर आप आपके पेज नंबर में दिया गया है, बुक के पेज नंबर में 36 पेज नंबर पूरा डिटेल में दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड द अदर रबी क्रॉप्स अलग मीन्स हर एरिया में लिया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ, विंटर मंथ में हम देखते हैं कि प्रिसिपिटेशन होता है, जो बारिश होती है, हल्के हल्के प्रिसिपिटेशन की वजह से, उसके वजह से वहाँ पे खेती की जाती है जिस एरिया में, जो टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स करते हैं उस क्रॉप को। तो ये एरिया के नाम दिए गए कि इस एरिया में इसीलिए इस टाइप्स की, रबी टाइप्स की खेती की जाती है। खरीफ क्रॉप शोइंग इन मे एंड जुलाई मंथ, मीन द ऑनसेट ऑफ द मानसून, मानसून की शुरुआत जैसी होती है उस समय ये क्रॉप लगाए जाते हैं, खरीफ क्रॉप। जस्ट अभी नाउ इज द सीजन ऑफ रेनी सीजन, तो इसमें खरीफ क्रॉप लगाए जाते हैं। उसका है मई टू जून, शोइंग का महीना, हार्वेस्टिंग का जो मंथ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दिया गया है। देन यहाँ के जो मेजर क्रॉप्स है वो है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा,
ज्वार बाजरा के बाद जूट देखने को मिलेगा आपको। ज्वार बाजरा जूट शुगर के इस टाइप के जो है मेजर क्रॉप जिसमें लगाए जाते हैं खरीफ समय में, क्या राइस मेज ज्वार बाजरा शुगर के एंड जूट। एंड द एरियाज, किस एरियाज में लगाए जाते हैं, तो ये लगाया जाता है आसाम में, वेस्ट बंगाल में, देन उसके बाद महाराष्ट्र में एंड कोस्टल एरियाज ऑफ दी ओडिशा, आंध्र प्रदेश मीन्स यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो इसके भी आपको फीचर्स पूछा जाता जा सकता है कि राइट द फीचर्स ऑफ द खरीफ क्रॉप और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द खरीफ क्रॉप। मेन तो आपको पूछा जाता है कि एमसीक्यूज पैटर्न में, कि फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपको एमसीक्यूज आता है, तो आपको पूछेगा कि शोविंग ऑफ द मंथ ऑफ द रबी क्रॉप, तो उसमें आपको अक्टूबर टू दिसंबर, मई टू जून, अप्रैल टू जून इस टाइप का देगा। तो यू हैव टू राइट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन में आपको राइट करना है। ये हो गया खरीफ क्रॉप। क्रॉप देन जेड क्रॉप, जो ये दोनों सीजन के बीच का जो सीजन होता है रबी और खरीफ, इनके बीच का जो सीजन होता है उसमें जेड क्रॉप लगाए जाते हैं। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स, जो समर मंथ में शॉर्ट सीजन होते हैं उसमें जेड क्रॉप लगाए जाते हैं। इट्स शो इन द अप्रैल एंड जून, अप्रैल और जून में हमें देखने को मिलते हैं। और इसके जो मेजर क्रॉप है वो है वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्कमेलन एंड वेजिटेबल्स एंड फूड क्रॉप्स लगाए जाते हैं। शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, मीन्स यहाँ पे शुगर केन भी लगाए जाते हैं। ये हो गया जेड क्रॉप के बारे में। तो अभी हमने देखा कि क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, रबी, खरीफ एंड जेड। ओके, ओके, सी मेजर क्रॉप्स में फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स दैट वी आर यूज फॉर आवर फूड, मीन्स हम हमारे फूड के लिए हम कंज्यूम करते हैं उसे, उसे कहता है फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स जिसे हम नहीं खाते हैं, दैट इज नॉन फूड फूड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप जिसमें आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फूड क्रॉप्स जिसमें ग्रेन्स, ग्रेन्स में आया है राइस, वीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्स। ये क्या है, ग्रेन्स में आते पल्सेस, सॉरी पल्सेस, इट इंक्लूड्स इन ग्रेन्स। एंड प्लांटेशन में टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, दे आर इंक्लूडिंग इन अ प्लांटेशन। ये हो गए फूड क्रॉप्स, इनका हम यूज करते हैं। ओके, नॉन फूड क्रॉप्स में जिनका हम खाने के लिए यूज नहीं करते हैं, रबर, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, इट इंक्लूड्स इन अ नॉन फूड क्रॉप्स। एंड देन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो लेट सी वन बाय वन हम देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे राइस के बारे में कि राइस किस एरिया में लगाया जाता है, राइस कैसा है। राइस इज अ खरीफ क्रॉप, इट इज अ खरीफ क्रॉप। जस्ट अभी बताया मैंने, खरीफ क्रॉप मीन्स दोज क्रॉप विच इज ग्रोन इन अ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून, जिनमें हमने देखा है मानसून की शुरुआत में लगाया जाता है। एंड हाई टेम्परेचर रिक्वायर फॉर द राइस, राइस के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, कितना, प्लस 25 डिग्री सेल्सियस। एंड देन हाई ह्यूमिडिटी एरिया लगता है, देन हाई रेनफॉल लगता है, जो कितना, प्लस 100 सेंटीमीटर होता है। एंड ये किस एरियाज में हमें देखने को मिलता है, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड द पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो आपको इसके भी फीचर्स पूछे जाते हैं, राइट ऑफ फीचर्स ऑफ द राइस, राइस के फीचर्स आपको लिखना है। तो जो बताया अभी मैंने आपको वही लिखना है कि राइस ये एक स्टेपल फूड है हमारे इंडिया का, एंड इट इज यार सेकेंड, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है। तो जस्ट अभी जब मैंने आपको बताया कि ये खरीफ क्रॉप में आता है, इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, प्लस 25 डिग्री सेल्सियस, हाई रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है, प्लस 100 सेंटीमीटर, और ये किस एरिया में मिलता है ये हमने देखा है। देन सेम थिंग है आपको वीट के बारे में, तो वीट के बारे में बताया गया है कि
वीट द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स, जो अगर राइस के बाद ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो वीट का यूज़ करते हैं, और मेन फूड क्रॉप ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज का ये मेन फूड क्रॉप है, एंड दिस इज़ अ रबी क्रॉप, ये रबी क्रॉप है जो रबी में लगाया जाता है। बट हमने देखा है कि इसे इसे किस क्या लगता है, इसे रबी क्रॉप तो है कूल ग्रोइंग सीजन, रबी क्रॉप है मीन्स विंटर में लगाया जाता है, इसको ठंडे सीजन की जरूरत होती है, ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है हार्वेस्टिंग के समय, एंड देन रेनफॉल 50-70 सेंटीमीटर रेनफॉल रिक्वायर होता है, और ये हमें पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में भी हमें देखने को मिलता है। तो बिहार में ये क्या है, और इसके जो दो ग्रोइंग इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स बताए गए, टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोन जोन्स बताए गए इसमें, और वो है द गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, मीन्स टू इम्पोर्टेंट मेजर जोन्स ऑफ द वीट क्या है, दो इम्पोर्टेंट जोन्स में वीट ज़्यादातर लिया जाता है, जो है गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मिलेट्स, मिलेट्स को थ्री पार्ट्स में ज्वार बाजरा रागी थ्री इम्पोर्टेंट मिलेट्स बताए गए हमारे इंडिया में। तो जो ज्वार है ये है इसमें क्या होता है, ज्वार में रेनफेड एरियाज में लगाया जाता है, मॉइस्ट एरियाज में लगाया जाता है, और ये महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में। तो ज्वार बाजरा रागी इसमें प्रोटीन होते करके हमें डॉक्टर भी सजेशन करता है कि आपको गेहूं के आटे की जगह आपको ज्वार बाजरा इसका क्या खाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, रोटी बनाना चाहिए, भाकर बनाकर खाना चाहिए, ऐसा हमें सजेस्ट की गई है, प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। तो रागी इज़ अ वेरी रिच इन आयरन, रागी में आयरन देखने को मिलता है, कैल्शियम अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ज्वार जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ये हमें ये भी जो ज्वार है ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे क्रॉप में आता है जिसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। अब बाजरा हमें सैंडी शैलो ब्लैक सॉइल में देखने को मिलता है, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा उत्तर प्रदेश में। और रागी जब अभी बताया मैंने कि रेड रागी रेड ब्लैक सॉइल में आपको सैंडी सॉइल में देखने को मिलता है, और ये कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उत्तराखंड झारखंड सिक्किम, और जस्ट अभी बताया कि रिच इन आयरन कैल्शियम होता है इसमें, आयरन होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं। तो इस टाइप के हमने मिलेट्स को भी देखा। फिर उसके बाद मेज जो हमारा है वो खरीफ क्रॉप है, खरीफ और रबी दोनों टाइप के क्रॉप में लगाया जाता है। जो मेज है इट इज़ अ फूडर एंड फूड एंड फूडर दोनों टाइप से यूज़ किया जाता है, मीन्स इसका यूज़ इंसानों के लिए भी किया जाता है, ह्यूमन बींग के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी किया जाता है। फिर इसमें हमें देखा है कि टेम्परेचर रिक्वायर होता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर तो 27 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर लगेगा। मेज के लिए ऑल ऑलिवल सॉइल में लगाया जाता है, मीन्स इसके लिए जितनी पुरानी सॉइल होती इतनी अच्छी होती है, और इसमें HIV सीड्स का फर्टिलाइजर्स का केमिकल्स का पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। ओके, तो ये हमें किस एरिया में देखने को मिलता है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार यहाँ पे मेज लगाया जाता है। मेज आर यूजिंग अ फूड एंड फूडर क्रॉप, ये रबी खरीफ में भी लगाया जाता है। फिर उसके बाद 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर होता है इसके लिए, ओल्ड ऑलिवल सॉइल में लगाया जाता है। देन नेक्स्ट इज पल्सेस है, जो पल्सेस इट्स अ लार्ज और इंडिया इज द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस एज वेल एज कंज्यूमर, वो प्रोड्यूसर तो है लेकिन कंज्यूमर भी है। तो इसमें क्या होता है, दिज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर द वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो प्रोटीन्स का अच्छा जो सोर्स है वो क्या है कि वो तो पल्सेस है। पल्सेस में हम देखते हैं तूर अरहर की दाल मूंग दाल उड़द दाल देन पीस ग्राम, ये सारे पल्सेस में
आते हैं। पल्सेस नीड्स लेस मॉइस्चर, इसके लिए ज़्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन में भी लगाया जाता है। तो तुरहर को छोड़कर सभी ऐसी दालें कि जिसको हम लगाते हैं तो जमीन की जो लैंड की फर्टिलिटी वेस्ट नहीं होती, फर्टिलिटी खराब नहीं होती है, फर्टिलिटी बरकरार रहती है। ये भी हमने देखा इसके बारे में। और ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? पल्सेस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ओके, तो इस तरीके से हमने मेजर क्रॉप्स देखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।